नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, किसान बिल 2020 पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या मुद्दे लाए हैं और किसानों के उसके बारे में क्या क्या कंप्लेंट्स है। आज हम बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू ये बिल है, ये अपने को ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड बातें बताता है। मतलब किसान अपना सामान कैसे बेचने वाले है उस बारे की जानकारी देता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से भी किसान सामान बेच सकते हैं और साथ ही साथ उनको एपीएमसी जाने की अब जरूरत नहीं है, वो किसी भी राज्य में अपना सामान बेच सकते हैं, इस बारे की जानकारी ये बिल अपने को देता है। लेकिन ये बिल के कारण भी बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था। ये बिल के कारण किसानों को ऐसा लग रहा था कि एपीएमसी मंडियां जो है, ये एपीएमसी मंडियों में अब कौन जाएगा, क्योंकि एपीएमसी मंडियों में अगर माल बेचना है तो ऑलरेडी आपको शुल्क देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं, और किसान अगर बाहर कहीं और माल बेचे तो उसको कोई भी टैक्सेस नहीं लगने वाले हैं। तो एपीएमसी के जो आढ़तीय व्यापारी होते हैं या फिर मंडी के कारोबारी होते हैं, वो लोगों के मन में अब डर बैठ गया। उनको लग रहा है कि हमारा बिजनेस अब ठप होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर माल बेचना है तो टैक्सेस लिए जाते हैं, तो क्या हम जॉबलेस होने वाले हैं? क्योंकि ये लोग जो है ये मिडिल क्लास लोग है। इनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो कायदा लाया है ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लाया है। जो अमीर है वो और अमीर बनते जाएंगे और जो मिडिल क्लास है, ये बीमारी के चलते बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जिंदगी के लिए, वो और गरीब होते जाएंगे, ऐसा डर इनके मन में है। साथ ही साथ किसानों को यह और एक डर है कि एमएसपी पर जो खरीदी सरकार करती है, एमएसपी मतलब जिसको हम बोलते हैं हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सरकार जिस प्राइस से किसानों का सामान खरीदती है, उस बारे की बातचीत ये बिल में नहीं की गई। इसमें किसानों का कहना है कि ये एमएसपी के रिलेटेड सिर्फ प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है उन्होंने ट्वीट करके बताया कि एमएसपी इसमें अप्लीकेबल है, लेकिन ये बिल में वो पार्ट इंक्लूड नहीं था। फिर भी ये बिल लोकसभा से पास होके राज्यसभा तक चला गया था। आज राज्यसभा में भी वो बिल पास हो गया था। इसमें एमएसपी का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है। इस कारण किसान जो है वो संभ्रमित हमें नजर आते हैं। ये बिल में जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो हम बात करते एपीएमसी, एपीएमसी के रिलेटेड किसान चिंतित है, और साथ ही साथ एमएसपी के रिलेटेड किसान चिंतित है। तो आइए जानते हैं कि ये बिल में कौन से अहम मुद्दे लोकसभा में डिस्कस हुए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से मुद्दे ये बिल के कारण सामने आ रहे हैं, कि जिसपे गवर्नमेंट बहुत चाह रहे कि ये बिल पास हो जाए, और हो भी गया है आज राज्यसभा में ये बिल पास। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट चाहते हैं कि किसानों को स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपना बिजनेस जो है वो किसी भी ट्रेडर के साथ कर सके, कोई भी ट्रेड एरिया में देश के वो अपना बिजनेस कर सके। ट्रेडर जो है कोई भी बिजनेस करेगा, किसानों के साथ कोई भी बिजनेस करेगा, तो उसको एक इंपॉर्टेंट बात दी जाएगी। उसको बोला जाएगा आप पैन नंबर आप अपना दो। मतलब विदाउट पैन कार्ड कोई भी ट्रेडर फार्मर के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट के बिना कोई भी ट्रेडर किसान के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ब्लैक मनी जो है वो कंट्रोल में आए, और साथ ही साथ आइडेंटिटी के साथ फार्मर के साथ कोई व्यवहार करेगा तो उसकी आइडेंटिटी जो है ये छिपी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सतर्क है, ऐसा हमें नजर आता है, क्योंकि कभी कभी किसान को कोई फंसा सकता है, उसके यहाँ आके सामान खरीद के लेके जाएगा, उस आदमी का कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहेगा तो कैसे ढूंढ पाओगे। तो इसके लिए भी पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने के लिए भी पैन नंबर इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तीसरा मुद्दा, गवर्नमेंट चाहते थे कि कोई भी बिजनेस है जहां पे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाने का अनुमति दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म मतलब जैसे हम बात करते हैं अमेजॉन है या फिर फ्लिपकार्ट है, ऐसे चीजों के जैसा प्लेटफॉर्म किसानों के लिए भी बनाया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि किसी को भी हम अलाउड करने वाले हैं, किसी फार्म प्रोड्यूसर को अलाउड करने वाले हैं, या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम अलाउ करने वाले हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म बनाए, और जिसके तहत किसान जो है इंटरस्टेट मतलब अंतरराज्य व्यवहार कर सके और राज्य के अंदर भी अपना सामान बेच सके, किसी को भी बेच सकते हैं अपना सामान। तो ये एक इंपॉर्टेंट बदलाव गवर्नमेंट ने लाया। मतलब ऑनलाइन साइट होगी, ऑनलाइन साइट पे कंट्रोल होगा,
और वो कंट्रोल के तहत प्राइसेस डिसाइड की जाएगी, किसान अपना ऑनलाइन सामान बेच सकते, ऐसी बातें नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बताया गया है कि किसान को कोई भी फी या फिर सेस नहीं लगेगा, क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से कोई भी जगह ट्रेडिंग करेगा फार्मर, तो उसको कोई भी सेस या फिर फी नहीं लगेगी। एपीएमसी में फिलहाल राज्य सरकारें जो है वो फीस लगा रही है। तो इसके रिलेटेड भी एक बहुत ज्यादा मुद्दा आ रहा है सामने, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी फी या सेस लिए बगैर ही किसान अपना सामान बेच पाएंगे, ऐसी सहूलियत किसानों को उपलब्ध की जाए। साथ ही साथ कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया गया है, कहां अपील करोगे, कहां आपका डिस्प्यूट जो है जल्द से जल्द सॉल्व होगा, इस बारे में गवर्नमेंट जानकारी देते हैं ये बिल में। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक्चुअली एक अधिकार देता है ये बिल कि वो प्राइस इंफॉर्मेशन और मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम बनाए किसानों के लिए, जिसके तहत सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारे के सारे किसानों की इंफॉर्मेशन होगी, उनके सारे सामान की इंफॉर्मेशन होगी, कौन सा माल बेचने वाले है, हर एक चीज की जानकारी उस प्लेटफॉर्म पे होने वाली है। मतलब गवर्नमेंट अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बैठ के गवर्नमेंट अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साल कौन से एरिया में कौन सी फसल ज्यादा हुई है और क्या रेट से वहां पे बेचा जा रहा है, सारा चीजों का गवर्नमेंट को ध्यान होगा। गवर्नमेंट इसमें प्लान कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट का भी बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो, निर्यात ज्यादा बढ़े अपने देश से किसान एग्री प्रोड्यूस की, और फार्मर जो है उनका प्रोड्यूस जो है उसको अच्छी प्राइस मिले, ऐसा गवर्नमेंट चाह रहे, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। लेकिन किसान हमें नाराज नजर आ रहे एपीएमसी और एमएसपी के मुद्दे के कारण। तो आइए जानते हैं कि ये बिल में एग्जैक्ट सेक्शन वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हैं। तो गवर्नमेंट ने यहां पे सबसे पहले बोला है कि कोई भी किसान या फिर ट्रेडर या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म, उनको फ्रीडम रहेगा। उनको क्या फ्रीडम रहेगा कि वो राज्य के बाहर या फिर राज्य के अंदर कहीं भी अपना सामान जो है वो बेच सकते हैं, जो भी प्रोड्यूस रहेगा फार्म का, जो भी खेत में पकेगा वो सारा चीजें वो बेच सकते हैं किसान, किसी भी राज्य में जाके बेच सकते हैं। कोई भी राज्य का आदमी किसी भी खेत में पहुंच सकता है, महाराष्ट्र से आदमी दिल्ली पहुंच सकता है, दिल्ली का आदमी पंजाब पहुंच सकता है, कोई भी कहीं से भी सामान खरीद सकता है। कोई भी ट्रेडर जो है वो इंटरस्टेट ट्रेड कर सकता है या फिर इंट्रास्टेट ट्रेड कर सकता है, फार्मर किसान से सामान खरीद सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बोली है गवर्नमेंट ने कि जो ट्रेडर जो है वो तभी ट्रेड कर पाएगा किसानों से जब उसके पास पैन नंबर होगा। पैन नंबर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने बनाया है, वो पैन नंबर उसके पास होगा तभी वो व्यवहार कर पाएगा, या फिर गवर्नमेंट कोई और डॉक्यूमेंट भी नोटिफाई कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखी है, कभी भी वो बोल सकते हैं कि आधार कार्ड दिखाओ और सामान खरीदो। गवर्नमेंट जो है वो जब भी उनको जरूरत लगेगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट में उनको अगर जरूरत लगेगा, तो वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करके लेंगे ट्रेडर्स की, सारे के सारे ट्रेडर्स की, उनके ट्रांजेक्शन की, उनके मोड ऑफ पेमेंट की, जो भी सारी चीजें गवर्नमेंट को अगर लगा तो गवर्नमेंट वो कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोविजन करके रखी है ये एक्ट में। साथ ही साथ जो भी ट्रेडर जो है वो ट्रांजैक्ट कर रहा है किसानों से, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हमें नजर आ रहा है। जो भी ट्रेडर है, कहीं का भी ट्रेडर है, मान लो कि महाराष्ट्र का ट्रेडर है, पंजाब पहुंचा, पंजाब के किसान से कुछ सामान खरीदा, तो उसने उसी दिन पेमेंट कर देना चाहिए किसान को। जिस दिन उसने सामान खरीदा उस दिन उसने पेमेंट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो तीन दिन का टाइम ले सकता है पेमेंट करने के लिए, अगर प्रोसीजर अगर वैसी है तो 3 दिन का टाइम ले सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ट्रेडर जो है उसने रिसीट ऑफ डिलीवरी जो है वो उसी दिन देनी चाहिए। मतलब अगर महाराष्ट्र का ट्रेडर जो है पंजाब पहुंचा और उसने अगर सामान खरीदा, तो ये एक्ट उम्मीद कर रहा है कि उसी दिन किसान को पेमेंट किया जाए। अगर पेमेंट तीन दिन के अंदर मैक्स टू मैक्स वो कर सकता है, लेकिन उसको क्या है कि सामान की डिलीवरी की रिसीट जो है वो तुरंत देनी है कि मुझे सामान मिला है, ऐसी रिसीट उसने किसान को तुरंत उसी दिन देनी है और उसको बताना है कि मैंने तुमको इतने पैसे देने लगते। ऐसा ये प्रोविजन ये एक्ट में किया है, किसानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ऐसा हमें नजर आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में तो कंडीशन ऐसे रहते हैं कि दो दो चार चार महीने होते हैं तो भी कंसल्टेंसी फीस नहीं मिलती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करने वाले हैं, फार्मर के प्रोड्यूस है उसके लिए प्रिस्क्राइब करने वाले प्रोसीजर, और ये जो है
गवर्नमेंट को जब लगेगा तो गवर्नमेंट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे पेमेंट करने का और उसमें रिसीट कैसे देने के, हर एक चीज की जानकारी गवर्नमेंट दे सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने सेक्शन 5 में ऐसा बोला है कि जो आदमी के पास पैन नंबर होगा इनकम टैक्स के हिसाब से या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट देने वाले उसके हिसाब से, या फिर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगी, वो क्या कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड या फिर इंट्रास्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म बना सकते हैं मतलब वेबसाइट बना सकते हैं जहां पे ऑनलाइन सामान खरीदा और बेचा जाएगा, किसानों का जो भी सामान है, जैसे जो भी प्रोड्यूस वो करते हैं फार्म प्रोड्यूस, वो सारा चीजें वो ऑनलाइन बेच सकते हैं और वो कोई भी आदमी कर सकता है। जिसके पास पैन नंबर है वो भी वेबसाइट बना सकता है या फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना एक वेबसाइट बना सकती है जहां पे किसान आके अपना सामान बेच सकते हैं। जो भी पर्सन है जो वेबसाइट ऐसी बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन का प्लेटफॉर्म बनाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो भी गाइडलाइन दी जाएगी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस उसमें होने चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है इसमें कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, किसानों के साथ कोई भी उनका नुकसान हो ऐसा काम नहीं किया जाएगा, चीटिंग नहीं की जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, ट्रेड का मोड कैसे होने वाला है, उसकी फीस क्या होने वाली है, टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं वो वेबसाइट के, जैसे इंटर ऑपरेबिलिटी बाकी के जो प्लेटफॉर्म से उसके उस वो कैसे कनेक्ट करने वाले हैं बाकी के प्लेटफॉर्म से, साथ ही साथ लॉजिस्टिक मतलब जो सप्लाई होता है जैसे आपको डिलीवरी होती है वो सारे अरेंजमेंट के बारे में, साथ ही साथ क्वालिटी असेसमेंट, टाइमली पेमेंट, डिसेमिनेशन ऑफ गाइडलाइंस इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द प्लेस ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है जिस राज्य की भाषा है उस राज्य में वो प्लेटफॉर्म बनने वाले है, वो राज्य की भाषा में वो प्लेटफॉर्म बनने वाले है, ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियरली बोला है। आप वेबसाइट बना सकते हो लेकिन उसको में आपको गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, गाइडलाइंस फीस के रिलेटेड रहेगी या फिर टेक्निकल पैरामीटर्स उसमें हो सकते हैं। गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगा तो गवर्नमेंट ने अपने लिए प्रोविजन करके रखी है, तो गवर्नमेंट रूल बनाएंगे, प्रोसीजर नॉर्म्स और मैनर बनाएंगे, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन सामान बेचने के लिए, और साथ ही साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी बता सकते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स बता सकते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी गवर्नमेंट इसके रूल बना सकते हैं, गवर्नमेंट ने प्रोविजन अपने पास रखी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात गवर्नमेंट ने बोली है कि कोई भी मार्केट फी या फिर सेल्स और लेवी नहीं लगने वाला, जहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टेट एपीएमसी राज्य के जो मार्केट यार्ड है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है उनके ऊपर अभी भी सेल्स लग रहा है, लेकिन इसमें किसान अगर कहीं और बाहर सामान बेचता है किसी और राज्य में तो उसको कोई भी सेल्स लेवी नहीं लगने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाईलाइट किया है सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 अपने को जानकारी देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्राइस इंफॉर्मेशन एंड मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस बनाने वाले है। इस बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, इंटेलिजेंस सिस्टम बनने वाला है, इसमें हम सारा डेटा देख सकते हैं, पुराना डेटा भी ओपन करके देख सकते हैं, लास्ट ईयर कितने को सामान बेचा, कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन से फार्मर में क्या किया, बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा काम करता है, तो गवर्नमेंट वो डेवलप कर सकते हैं, ये जानकारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दी है। तो ये हो गया ये बिल, आज ये बिल पास हो गया है, इसमें उन्होंने डिस्प्यूट रिजोल्यूशन दिए, अगर फार्मर के अगर किसी चीज में अगर डिस्प्यूट होते हैं तो वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जैसे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास जाना है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में चर्चा की है कि कंसिलिएशन अगर नहीं रहेगा तो सेम मुद्दे इसमें भी हमें नजर आ रहे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइन और पेनाल्टी लगा दी है, फाइन और पेनाल्टी यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताई है कि सेक्शन 4 का जो उल्लंघन करेगा, सेक्शन 4 जिसमें हम बात कर रहे थे, सेक्शन 4 की गवर्नमेंट ने जो पब्लिक इंटरेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन की, नहीं सेक्शन 4 मतलब हम बात कर रहे थे कि पैन नंबर वाला आदमी ही सेल करेगा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के लिए, तो वो कोई भी अगर रूल ब्रेक करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फाइन बोली है, गवर्नमेंट ने वो फाइन बोली है वो है ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज फाइन रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वो फाइन 5,00,000 रुपए तक जा सकती है, बिना पैन नंबर के आपने अगर कोई व्यवहार किया तो आपको हर दिन का 5,000 रुपए का जुर्माना पड़ सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा गवर्नमेंट ने इधर लिखा है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के लिए सेक्शन 5 की हम बात कर रहे थे,
उसमें गवर्नमेंट ने बोला है इसका आपने अगर उल्लंघन किया तो आपको फाइन हो सकती है 50,000 रुपए की, और ये फाइन आपकी एक्सटेंड हो सकती है 10 लाख रुपए तक। और आपने अगर कंटिन्यूस आपने ये कंटिन्यू किया कॉन्ट्रावेंशन, तो आपको वो फाइन हर दिन का 10,000 रुपए का आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यह है पार्ट टू जिसमें हमने बात करी है ट्रेड एंड कॉमर्स। पार्ट वन में हमने बात करी थी कल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।